अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। माशाल्लाह आज बड़े खुश नज़र आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह द ग्रेस ऑफ अल्लाह, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सक्सेसफुल ऑपरेशन, आज उनकी सर्जरी थी वो हुआ है, और जिसकी खुशी मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मेरे वालदा और वालद दोनों वफात पा चुके हैं, लेकिन मैं अपने कायद की इज़्ज़त अपने पेरेंट्स की तरह करता हूँ, और मुझे अल्लाह ताला ने अपने कायद की शक्ल में मुझे मेरे सर पर आज अल्लाह सुबहाना ताला ने ये रहमत की है कि मेरे कायद का ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है और वो कामयाब हो गए हैं, और इसलिए आप ज़्यादा खुशी मेरे चेहरे पे आज इसलिए देख रहे थे। नाज़रीन हम यकीनन देख रहे हैं, मलिक साहब बड़े खुश हैं। मलिक साहब आप चूँकि यहाँ लंदन में हैं और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, तो आप क्या समझते हैं कि डॉक्टर्स ने क्या बताया कि कब तक मियाँ साहब जो है कम्प्लीट सेहतमंद होकर पाकिस्तान जाके जो है अपने फ़राइज़ को अंजाम देना? पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये चीज़ें उसमें जो डॉक्टर अहबाब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर को अभी 4 से 5 दिन प्रॉपर बेड रेस्ट होगी और 2 हफ्ते उनको लग जाएंगे रिकवर करते करते, तो मेरा ख्याल है कि 2 वीक लग जाएंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को रिकवर करते करते। इट्स अ हैवी सर्जरी, इट वाज हैवी सर्जरी और इट वाज वेंट वेरी सक्सेसफुल विदाउट एनी आई मीन प्रॉब्लम और एनी इश्यूज़, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।